अजनी पुलिस थाने के डीपी स्क्वाड ने मात्र 3 घंटे में चैन स्नैचिंग और मकानों में चोरी करने वाले और वहां की चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की तफ्तीश जारी है। आए दिन शहर में चेन स्नैचिंग और मकानों में चोरी की कई घटनाएं हो रही है। ऐसी एक घटना अजनी के अंतर्गत आने वाले शिव शक्ति नगर माता मंदिर के पास हुई थी। फिरियादी पुष्पा उपाध्याय अपनी देवरानी के साथ किराना दुकान में जा रही थी। उसी दौरान एक सिल्वर रंग की एक्टिवा गाड़ी पर पीछे से 2 आरोपी आए और चलते गाड़ी से पुष्पा के गले से सोने का मंगलसूत्र खींचकर चले गए, जिसकी शिकायत फिरियादी ने अजनी थाने में दर्ज की। अजनी पुलिस के डीबी स्क्वाड ने मात्र 3 घंटे में खोज पिनकर आरोपी प्रीतम आलोक उइके सरस्वती नगर, पंकज प्रभाकर साठवनी सोमवारी क्वार्टर तूपकर चौक और अमन पंढरीनाथ अहेरकर उदयनगर आदि आरोपियों को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान आरोपियों ने चेन स्नैचिंग और मकानों में चोरी करने की बात कबूल की है। इस घटना के बारे में अजनी के PI विनोद चौधरी ने BCN समक्ष जानकारी दी। आए दिन शहर में घरफोड़ी और चेन स्नैचिंग की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। ऐसे में आरोपी कितनी शातिर तरीके से इस काम को अंजाम क्यों न दें, मगर शहर की जांबाज पुलिस भी कम नहीं है जो आरोपी को धर दबोच कर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल रही है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं अजनी थाना के अंतर्गत हुई ऐसी घटना के बारे में। ये तमाम घटना क्या है, किस प्रकार की, ये जानने के लिए आज BCN की टीम पहुँची है अजनी थाने में, जहाँ पर PI वरिष्ठ PI विनोद चौधरी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। चौधरी साहब, ये बताएं कि जिस तरह से ये चेन स्नैचिंग और घरफोड़ी की जो घटना हुई है, क्या कहना चाहोगे? दिनांक 2/3/21 को दोपहर के 11:30 के समय में फिरियादी महिला है सौ पुष्पा किसले उपाध्याय, वह 38 वर्ष, रहनार शिवशक्ति नगर। ये अपने घर से अपने देवरानी के साथ में किराना सामान लाने के लिए पैदल जा रहे थे। उतने में पीछे से एक एक्टिवा गाड़ी के ऊपर में 2 इसम आए और उन्होंने उस महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र लेके भाग गए थे। इस कार्रवाई के लिए हमने वहाँ पे तफ्तीश की। आजू बाजू के CCTV फुटेज हमने खंगाले, जो संशय थे उनसे हमने चेक किए और उस पर से हमने आरोपी डिटेक्ट किए हैं। और उसमें हमने आरोपी प्रीतम आलोक उइके, वह उम्र 25 वर्ष, रानार सरस्वती नगर, और अमन पंढरीनाथ अहेरकर उम्र 22 साल, रानार उदयनगर, इनको हमने ढूंढ के ताबे में लिया है। पूछताछ करने के बाद में उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने सोने का मंगलसूत्र छीना था और वो सोने का मंगलसूत्र उन्होंने बेचने के लिए पंकज प्रभाकर साठवने, जो कि एक पुराना गुनहगार है, सोमवारी क्वार्टर में रहता है, उसे उन्होंने बेचने के लिए दिया है। तीनों आरोपी को हमने अटक किया है। उनके पास से हमने सोने का मंगलसूत्र भी हमने रिकवर किया है और उनके पास जो गाड़ी उन्होंने यूज़ की थी, एक्टिवा गाड़ी, वो भी उन्होंने पुलिस स्टेशन हुडकेश्वर से चुराई हुई थी और उसके बारे में पुलिस स्टेशन हुडकेश्वर में भी ऑफेंस रजिस्टर था। इस प्रकार ये दोनों गुने हमने उगड़ के लाए है। सर, चेन स्नैचिंग ये तो चेन स्नैचिंग का हो गया, लेकिन क्या यही आरोपी की लिप्तता घरफोड़ी या चोरी में थी क्या? इसमें से जो आरोपी है प्रीतम आलोक उइके, एक रिकॉर्डेबल गुनहगार है, और पंकज प्रभाकर साठवने, ये भी रिकॉर्डेबल गुनहगार है। इनके पास से जब हमने इनके घर झड़ती लिए, तब हमें कुछ इनके घर में कुछ संशयास्पद साहित्य मिला। तब पूछताछ के दौरान हमें मालूम पड़ी कि पुलिस स्टेशन अजनी में ही उन्होंने 2 घरफोड़ी के गुने किए थे पिछले महीने में, जिसके अपराध क्रमांक 52/21 है और 84/21 है, और दोनों घरफोड़ी के गुने के अंदर का जो मुद्देमाल है उनके पास से हमने रिकवर किया है। और जिस गुने में उन्होंने गाड़ी का यूज़ लिया था, वो गाड़ी भी हमने जब्त की है। इस प्रकार हमने उनके पास से एक चेन स्नैचिंग, 2 घरफोड़ी और एक व्हीकल थेफ्ट, ऐसे उनके पास से हमने 4 गुने उगड़ के लाए हैं और उनके पास से 1,45,300 रुपये का मुद्देमाल हमने जब्त किया है। शहर में जिस प्रकार से चेन स्नैचिंग और घरफोड़ी जो हो रही है, जिसके चलते नागरिक काफ़ी परेशान थे, ऐसे में एक घटना हुई है जहां पे एक महिला अपने देवरानी के साथ किराना दुकान में कुछ सामान खरीदने गई, उसी समय में पीछे से 2 आरोपी आए और उन्होंने झटका मार के उसके गले में जो एक मंगलसूत्र था उसको छीन के वे भाग गए, जिसकी शिकायत अजनी थाने में की गई और काफ़ी तफ्तीश की गई, जिसके बाद अजनी पुलिस ने उन्हें ढूंढ के निकाला और अभी वो पुलिस की हिरासत में है। आगे की तफ्तीश जारी है। अजनी पुलिस थाने से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।